हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान से जुड़े बिल अभी से करीब आधे घंटे पहले राज्यसभा में पेश कर दिए गए। सरकार का यह दावा है कि यह बिल किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। विरोधी ये कह रहे हैं कि इससे तो किसान की आमदनी बढ़ने की जगह घट जाएगी। संसद के अंदर, संसद के बाहर विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। आज राज्यसभा में सरकार की परीक्षा है। 10 राज्यसभा सांसद कोरोना से पीड़ित है। कृषि से जुड़े ये तीनों बिल इसीलिए महत्वपूर्ण सरकार की अग्नि परीक्षा है। वहां लोकसभा में तो ध्वनिमत से पास हो गया, आसान था, लेकिन राज्यसभा में नंबर नहीं और इसीलिए व्हिप जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। विवाद के बीच किसान बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कोई वास्ता नहीं है इस बिल से। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद अपनी ही साथी एनडीए के साथी पुरानी पार्टी अकाली दल को वो किसानों के मसले पर नहीं समझा पाए। अकाली दल इस मामले पर छिट गया है एनडीए से। हरसिमरत कौर बादल ने बकायदा रेजिग्नेशन दे दिया है अपने मंत्री पद से, और ऐसे में ये सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है कि राज्यसभा में इन तीनों बिलों को कैसे पास कराया जाए। किसान ये कह रहे हैं कि अगर आपने जब कृषि मंत्री ने बिल पेश होते वक्त जो बातें कही थी, आपको मैं चाहती हूँ सुन लेनी चाहिए। माननीय चेयरमैन सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पर विचार किया जाए, और मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 पर विचार किया जाए। और इस किसान बिल पर लगातार हम रिएक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी के नेता का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। मनोज झा हमारे साथ हैं। सर, वोटिंग होगी तीनों बिलों पर, किस पक्ष रखेंगे आप, किस ओर रहेंगे? देखिए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जिस दल में भी 10% भी अगर खेतीहर समाज, किसान, किसानी के लिए कोई संवेदनशीलता है, आज उनके लिए परीक्षा का क्षण है। आप अगर चाहते हैं कि किसानों का, भारतीय किसान का, खेतीहर समाज का मृत्यु आलेख लिख दिया जाए, ऑबिचुअरी लिख दिया जाए, करिए आप जो चाहते हैं। तमाम दल जो अगर वॉकआउट का फैसला करते हैं, उनको भी यह तय करना होगा, दे आर वॉकिंग ओवर द डेड बॉडीज ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, और ये तय करना होगा। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं। अरे, गोबर और धनिया प्रेमचंद के थे गोदान के, कोई उनको गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि कोई राह ही नहीं बची है, राह गुम हो गई है। ये तो सोचना होगा ना कि बाजार का इतना दबाव कि आप उसके समक्ष, ये कौन सा आत्मनिर्भरता का मॉडल ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी? मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खेतीहर समाज को आपके सहयोग और मदद की जरूरत है, उनको उनके खात्मे की इबारत मत लिखिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब किसान मुक्त होगा, आजाद होगा, अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है, और अगर निवेश आएगा तो किसानों का फायदा होगा। हमने तो साफ देखा है ना कैसे खुदरा व्यापारी इस मुल्क से खत्म हो गए। हम आप थोड़ा सोच लें कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया। चलिए, किसान की समझ है क्या इस सरकार को? मैं एक छोटी जोत का किसान हूं, मझोले जोत का किसान हूं, मैंने प्याज उपजाया है, मुझे प्याज को निपटाना है ताकि आप दूसरी फसल लगाऊं। जिले में तो लोग जा नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से जगह, और आप कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आपको ये देंगी। मैं समझता हूं इन सपनों को दिखा करके आप नाइटमेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा, इसे वापस लीजिए, सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, ताकि इसका जो जन विरोधी तेवर है, किसान विरोधी तेवर है, उसको 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 खत्म किया जा सके। जो जन विरोधी तेवर आप कह रहे हैं, किसान विरोधी, पॉइंट वाइज अगर आप समझा सके, आखिर विरोध किस बात? देखिए, पहली बात एमएसपी को लेकर के बहुत एम्बिग्युटी है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, जब किसान सोचिए ना, तो छोटी जोत और मझोले जोत के किसान को भी समझिए। उनके दृष्टिकोण से आप देखिए कि पूर्णिया जिला में 1 बीघा में कोई किसान उपभोग से जस्ट ऊपर थोड़ा कुछ प्रोड्यूस करता है, वो क्या करेगा, उसका क्या बनेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए, हमारे किसानों के ऐसे ही तो सड़क पर नहीं उतरे हैं ना।
और मेरे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। जैसे आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां चंडीगढ़ से राहुल काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर एक ट्रैक्टर रैली जो है किसानों की अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जैनेन्द्र कुमार जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि सिंह इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे पहले आशीष मैं आपका रुख करूंगी, सवाल यही है कि क्या राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा? ये अग्नि परीक्षा है सरकार की, नंबर्स नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कोविड का आंकड़ा अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, रूबिका दिखा रही थी आप उस बारे में, और हाउस की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, इस वजह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिग्विजय सिंह से बात की जो कि खुद राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी कंक्लूसिव तरीके से रूबिका ये नहीं कहा कि हम बिल को डिफीट कर देंगे, उन्होंने ये कहा कि ये किसान विरोधी, इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। बीएसपी की भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं आपको बता दूं, सरकार के कई सोर्सेज से हमारी बात हुई, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और इसकी बड़ी वजह मुझे लगती है कि बीएसपी की भूमिका बड़ी क्रूशियल रहेगी, और जो हाउस की स्ट्रेंथ रिड्यूस होने वाली है क्योंकि कई मेंबर्स ने लीव ली हुई है, छुट्टी मांगी हुई है, कोविड का इशू है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मेरी गट फीलिंग है, आपके सवाल का अगर कंक्लूसिव जवाब दूं तो एज जो एडवांटेज है वो सरकार के साथ है इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल आखिरकार पास हो जाएगा। ओके, नीरज आपका असेसमेंट क्या है? आप भी लगातार बातचीत कर रहे होंगे सरकार की तरफ से उन नेताओं के और मंत्रियों के टच में होंगे। जी बिल्कुल रूबिका, मेरी जो बात हुई सरकार के तमाम लोगों से बात हुई, तो वो लोग बिल्कुल आशा, उनको पूरा विश्वास है कि वो बिल आराम से राज्यसभा में पास करा लेंगे। और फिर सबसे बड़ी जो बात है कि जो कांग्रेस के साथ शिवसेना है, लेकिन शिवसेना इस बिल के समर्थन में, तो राज्यसभा में उनके भी जो मेंबर हैं, चाहे संजय राउत हों या दूसरे मेंबर हैं, वो भी इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे। तो कहा जा सकता है कि सरकार इस बिल को लेकर कॉन्फिडेंट है, और वो कॉन्फिडेंस झलक भी रहा। अभी जब मैं भूपेंद्र यादव को सुन रहा था राज्यसभा में, वो इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वो सीधे तौर पर शरद पवार और मनमोहन सिंह सरकार पर हमला कर रहे थे कि जब आप इस बिल को अपने मैनिफेस्टो में ला रहे थे, आपने इसका पूरा खाका तैयार किया था, तब ये बिल खराब नहीं था, आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बिल खराब हो गया। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से, उनको विश्वास है कि वो इस बिल को बड़ी ही आसानी से राज्यसभा में पास करा लेंगे। और जैसा आशीष ने कहा कि बीएसपी का बहुत क्रूशियल रोल है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीएसपी का क्रूशियल रोल है, और बीएसपी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो इस बिल के खिलाफ है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बिल के समर्थन में उनका भी वोट पड़ सकता है। शिवसेना पहले ही समर्थन कर चुकी है कि हम इस बिल के समर्थन में है, तो सरकार को लग रहा है कि पूरी बहुत ही आसानी से इस बिल को पास करा लेंगे। और पहले ही सरकार ने ये बात कही है कि ये बिल किसान विरोधी नहीं है, बल्कि किसानों के का हित साधने वाला बिल है। रही बात एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो वो कभी समाप्त नहीं हुआ है, ना समाप्त होगा। ओके, बिल पास हो जाएगा आप कह रहे हैं, आप दोनों का असेसमेंट है, लेकिन वो जो दिल पास करने की बात होती है किसानों का, वो दिल पास नहीं हो पा रहा है ना। चंडीगढ़ में मेरे सहयोगी राहुल काला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जहां ट्रैक्टर रैली होने वाली है। राहुल, लोगों को तो भरोसा नहीं हो रहा है, सरकार बार बार ये कह रही है, नरेंद्र तोमर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। जी रूबिका, जो पंजाब में मंडीकरण की स्थिति है वो काफी, बाकी जो राज्य हैं उनसे काफी बेहद मजबूत है। इसी के चलते हुए किसान जो है पिछले काफी दिनों से पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज यूथ कांग्रेस की तरफ से जो ट्रैक्टर रैली का जो ऐलान किया गया, जो चंडीगढ़ से दिल्ली को रवाना होंगे, हालांकि जहां पर पुलिस का जो पहरा वो भी मौजूद है, लेकिन यूथ कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो निराशा है जो केंद्र की तरफ से जो किसान के, जो यूथ कांग्रेस कह रहे हैं कि जो किसान के विरोधी बिल हैं जो अभी पास हो चुके हैं और अभी राज्यसभा में भी पेश किया जा चुका है, तो उसको देखते हुए यूथ कांग्रेस एक बड़ी तादाद में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देख सकते हो कि आप कैसे तैयारी की हुई है इन्होंने, और काफी बड़ी तादाद में यहां पर यूथ कांग्रेस के वर्कर लीडर पहुंच रहे हैं, और जिन जिन ट्रैक्टरों में आप देख रहे तस्वीरें देख सकते ट्रैक्टरों में जो कांग्रेस यूथ के झंडे वो भी लगाए हुए हैं, और बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं, और ये यहां से तकरीबन अभी कोई 5-7 मिनट में ये रैली शुरू हो जाएगी और यहां से चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना होगी। और ये यहां पर जो जिस जगह पर ये मौजूद हैं, यहां से चंडीगढ़ से अंबाला, जो अंबाला वाया दिल्ली का रोड है, और यहां से दिल्ली तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर ये
बिल रद्द नहीं किए गए तो केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में पहुंचने के लिए ये ट्रैक्टर पर जाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर ही एक ऐसा व्हीकल है जो किसान के हमेशा साथ रहता है, किसान के साथ खेतों में रहता है, घर में रहता है, हर पल ट्रैक्टर के साथ जो किसान का रिश्ता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर पर बैठकर किसान निकलेंगे ये उस बैनर उस झंडे तले होंगे जो कांग्रेस का है, यूथ कांग्रेस की तरफ से इस ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। अंजलि और जैनेन्द्र भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैनेन्द्र अंबाला में मौजूद हैं, अंजलि जींद में मौजूद है, यहां भी बड़ी संख्या में किसान जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं इन तीनों बिलों से। मैं आप दोनों का रुख करूं, उससे पहले आशीष ने भी कुछ देर पहले मेंशन किया था ना कि वो दिग्विजय सिंह से उन्होंने बातचीत की है जिन्होंने बिल को किसान विरोधी बताया और उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार एमएसपी का वादा कर रही है तो कानून में शामिल क्यों नहीं कर देती इस बात को। सुनिए आप क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय जी, बिल स्टेबल हो गए, फार्मर्स बिल, आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही है, आपको लगता है राज्यसभा में सरकार पास करा? ये तो राज्यसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है और ऐसे समय में जबकि कोरोना फैला हुआ है, कई बुजुर्ग हमारे और हर पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स ने लीव ऑफ एब्सेंस मांगा हुआ है, ऐसे समय में इतना बिल जिसका कि पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सब जगह विरोध हो रहा है, ऐसी क्या जिद है, ऐसा कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है मोदी जी की जो इस प्रकार के ये जिद पकड़े हुए हैं? अरे सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, चर्चा होनी चाहिए सभी के साथ। आप चाहते हैं सेलेक्ट कमेटी को? निश्चित तौर पर। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सर एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या? सर एपीएमसी एक्ट का हवाला भी प्रधानमंत्री ने दिया था कि आप लोग रिपील करना चाहते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं, कोई रिपील नहीं करना चाहता था और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर एमएसपी का वादा कर रहे हैं तो एक्ट में डाल दीजिए कि एमएसपी रहेगी। सर आज आपको क्या लगता है, क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कई सदस्य नहीं आ रहे हैं, कोविड का इशू है, इसीलिए सेलेक्ट कमेटी को सौंप देना चाहिए और हम लोगों का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में इशू था वो यही था कि चर्चा के बाद इसका निर्णय करना चाहिए। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि नहीं नहीं इन सारे चीजों को कानून का हिस्सा क्यों नहीं बना देते, आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो है उससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक लाइन इसमें जोड़ दीजिए और कुछ इसी तरह की बातें जो है किसान भी कह रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि ये वो सारी बातें हैं जो एक टाइम पर जब कांग्रेस सरकार में थी या कांग्रेस सरकार चला रही थी तो इस तरफ सोचा करती थी, लेकिन अब आप देखिए मामला पूरा पलटता कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहा है। जैनेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं, देखिए ये जो कांग्रेस की तरफ से रैली हो रही है जैनेन्द्र, वो चंडीगढ़ से शुरू होगी फिर अंबाला की तरफ रुख करेगी, अंबाला में कांग्रेस प्रायोजित ही रैलियां हो रही है या वाकई किसान आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल रुबिका, कांग्रेस तो अपने तरीके से सरकार को घेरी रही है संसद में भी और बाहर भी, और एक सोमवार को एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी है कांग्रेस के बड़े नेताओं की शाम 4 बजे। लेकिन जहां तक अंबाला और हरियाणा की बात है तो मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के ने आह्वान किया है चक्का जाम का, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान जो है वो सड़कों पर निकल करके सड़क जाम करेंगे। दिल्ली चंडीगढ़ जो मुख्य मार्ग है उसको छोड़कर तमाम सड़कों पर किसान उतरेंगे और 12 से 3 के बीच में सड़क जाम करके अपने गुस्से का इजहार करेंगे, अपनी नाराजगी का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये साफ है कि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहेगा किसानों की तरफ से और प्रशासन भी जो है वो संवेदनशील तरीके से, जो संकेत है संवेदनशील तरीके से किसानों को प्रदर्शन करने देगा। तो हरियाणा में आज चक्का जाम है, ये अहम बात है। तमाम जो गैर बीजेपी दल हैं उनका इस बिल को लेकर के जो रुख है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, घेर रहे हैं, सरकार को विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है, किसान जो हैं उनका कहना है कि वो किसी पक्ष या विपक्ष की लड़ाई से दूर हैं, चूंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, ये जो बिल है उनका भविष्य तय करेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये सुधार के लिए है ये बिल और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के जो सवाल है शायद उसके संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से पहले नहीं दिए गए या अब तक नहीं दिए गए, या वो भरोसा कि एमएसपी को कोई खतरा नहीं है, एपीएमसी को कोई खतरा नहीं है, वो भरोसा देने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन वो भरोसा जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाया है। इसी वजह से किसान जो है वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा में आज चक्का जाम है, पंजाब में अगले हफ्ते जो इसी हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है उसमें 3 दिन रेल जाम करने का ऐलान किया हुआ। इस बिल की पूरी पढ़ाई कर चुके हैं उसमें लगातार किसानों का प्रदर्शन, एक एक लाइन को इसके एक एक सेंटेंस को हमने समझा है। मैं एबीपी न्यूज, आप भी, हम सब भी उसका हिस्सा है
और हम दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं कि विपक्ष क्या सोच रहा है, सरकार उसका क्या जवाब दे रही है, किसानों के लिए वाकई ये रिफॉर्म के तौर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाया जा रहा है। तो मान लीजिए अगर किसान व्यूअर्स और वॉचर्स दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल कहना क्या चाह रहा है या बिल का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है। यही है कि वो जो बिचौलिया है बीच में उसे हटाया जाए और किसान का संपर्क सीधे उस डेस्टिनेशन से या उस पॉइंट से, उस बिंदु से करवा दिया जाए जहां से आपस में लेन देन की बात हो सके। को लेकर तीन बिल वहां राज्यसभा में पेश होने हैं। इधर किसान सड़कों पर निकल आए हैं, कांग्रेस ट्रैक्टर रैली कर रही है कांग्रेस यूथ की तरफ से। कोरोना का वक्त है आप सभी अच्छे से जानते हैं, ऐसे में कैप्टन अमरिंदर जो कि पंजाब के सीएम है वो तो ये कह रहे हैं कि चलो मैं खुद चल लूंगा आपके साथ दिल्ली। तो कांग्रेस पूरी तरीके से बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आई है, कह रही है किसान विरोधी ये बिल है। और उधर सरकार बार बार कोशिश कर रही है समझाने की कि देखिए किसान के विरोध में नहीं है, बिचौलियों को सिस्टम से हटाया जा रहा है। और सारे हमारे साथी इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ही सेकंड में होंगे। अभी रुख हम करेंगे अंजलि का जो हमारे साथ उस जगह से जुड़ी है जहां पर किसानों ने जो ट्रैक्टर्स के साथ वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, जीम में इस वक्त वो मौजूद है। अंजलि, पीछे किसान भी नजर आ रहे हैं और तैयारी भी पूरी दिखाई दे रही है, क्या कह रहे हैं ये किसान है या पार्टी के कार्यकर्ता? जी देखिए, ये किसान है, दरअसल ये जुलाना अनाज मंडी है जिसके बाहर इस समय मैं मौजूद हूँ। और मंडी के बाहर की ही जो सड़क है उसको यहाँ पर किसान चक्का जाम करने वाले हैं। 12 बजे का समय दिया गया है और उससे पहले यहाँ पर किसान जुटना शुरू हो गए, अपने ट्रैक्टर्स लेकर आए हैं जिनके जरिए रोड को ब्लॉक किया जाएगा। और जिस आत्मविश्वास की बात सरकार कर रही है कि जो राज्यसभा में बिल पारित करने को लेकर, जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे थे कि कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो किसानों में क्यों नहीं पैदा हो पाया है, जो किसान यहाँ पर जुट रहे हैं ये बताइए। ये भी सवाल उठ रहा है, आप लोग किसी राजनीतिक दल से हैं या आप लोग किसान ही हैं और क्यों विरोध कर? किसान और आड़ती हैं जी, कोई राजनीतिक दल का मामला नहीं है। और कोई राजनीति वाला अगर यहाँ आएगा तो भी उसको हम ये कह देंगे आप अपना काम करो, हमने अपना काम करने दो, केवल किसानों के और आड़तियों का मामला है ये। विधेयक को लेकर विरोध क्यों है? सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, मंडी नहीं खत्म हो रही है और आप लोगों को सीधा मूल्य मिलेगा अपनी फसल का, तो ये बात क्या समझा नहीं पा रही है सरकार या आप लोगों की अपनी अलग कोई समस्या है? एमएसपी मिलेगा ही नहीं, एमएसपी का आप ये समझ लो, एमएसपी गेहूं का 1925 रुपए है और यूपी में बीजेपी सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, उनका गेहूं 1600 रुपए और 1700 रुपए में बिकने लग रहा है सीजन में। और हरियाणा और पंजाब में गेहूं बिकता है 1925 रुपए में जो एमएसपी रेट है, वहां क्यों नहीं बिकवाते ये गवर्नमेंट वाले? और 2006 में बिहार में लागू हुआ था ये कानून और वहां मक्के का रेट सरकारी रेट 1760 रुपए है और अब वहां मक्का 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकने लग रहा है। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती किसी जमींदार का, किसी किसान का जो फसल उगाता है वो, उसका उसको पूरा रेट दिया जाए जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी रेट है, वो क्यों नहीं मिल रहा? एक बात जो हमने किसानों से बात की थी और ये जो एमएसपी को लेकर किसानों का मुद्दा जो है कि एमएसपी नहीं रहेगा, किसान बार बार ये बात कह रहे हैं और उनकी मांग ये है कि इसको एक लिखित कानून की तरह, एक प्रावधान की तरह लिख कर दे दिया जाए तो वो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। दूसरी जो एक बड़ी मांग इनकी ओर से आ रही है वो ये जमाखोरी वाला जो इशू कहा जा रहा है कि अगर व्यापारियों को सीधे बेचेंगे तो उनके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों नहीं तय किया गया है, वो इनसे अगर 2 रुपए में लेंगे और खुद 20 रुपए में बेचेंगे, लंबे समय के बाद बेचेंगे, तो ये वाली जो दो अगर हम बात करें मुख्य मुद्दे जो अभी तक किसानों से बात करके समझ आए हैं तो ये जरूर हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये जो आज आंदोलन, जहां तक बात करें हरियाणा में जो चक्का जाम का आह्वान किया गया, ये भारतीय किसान यूनियन और कुछ अन्य किसान संगठन है मुख्य तौर पर उनकी ओर से किया गया है, मौजूद है वहां पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये चक्का जाम किया गया है। उधर वहां चंडीगढ़ में राहुल काला हमारे सहयोगी मौजूद है जो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली कांग्रेस के झंडे तले आयोजित की जा रही है।